नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आचार संहिता में सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम जो जानकारी दे रहे हैं, वीडियो पब्लिश की डेट 29 मई 2022 के अनुसार दे रहे हैं। तो इस जानकारी के आधार पर यदि देखें तो वर्तमान में आचार संहिता जब लगती है तब आचार संहिता में कोई भी नए कार्य नहीं हो सकते, कोई भी प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ नहीं हो सकती। इस कारण से सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आचार संहिता में प्रारंभ नहीं होगी। आपका प्रश्न उठता होगा कि सर, वर्ग एक या वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग होना है, फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है, तो पहले से प्रक्रिया प्रारंभ है, इस कारण से सेकंड काउंसलिंग हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आचार संहिता में यदि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, आचार संहिता कुछ स्थानों पर लगी थी जिस कारण से ज्वाइनिंग प्राप्त नहीं हुई थी उन जिलों में, तो इस कारण से आचार संहिता में कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है और ना ही उसे ज्वाइनिंग दी जाती है। अब वैसे यदि गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे और विभाग चाहे तो उसका तोड़ निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ नियम बना देते हैं जिस कारण से प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है किंतु ज्वाइनिंग फिर भी नहीं होगी। ज्वाइनिंग कभी भी आचार संहिता में नहीं दी जाती है, तो इस कारण से ज्वाइनिंग जो दी जाएगी वह आचार संहिता के बाद। और वैसे तो अभी संभावना ऐसी की नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आचार संहिता में प्रारंभ हो। तो जब आचार संहिता खत्म होती इसके तुरंत बाद हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया तरह प्रारंभ हो। सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ हो सकती है इस पर हम शीघ्र वीडियो बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।